हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाइनीज पुलाव की रेसिपी। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यम्मी बनते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और कैसी बनी आपकी तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 2 टेबल स्पून बारीक कटा शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक कटा गाजर, 2 टेबलस्पून स्प्रिंग ओनियन बारीक कटा, 2 से 3 छोटे छोटे बेबी कॉर्न है जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में लंबे लंबे इस तरीके से कट कर लिए हैं, और 1 टेबलस्पून बीन्स, 2 टेबलस्पून बारीक कटा प्याज। उसके अलावा हमें चाहिएगा 1 टेबलस्पून बारीक कटा लहसुन है, 1 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा अदरक है बारीक कटा हुआ, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से देंगे, ये सादा नमक है, ये काला नमक, काली मिर्च, प्लेन सॉस है ये टमेटो सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस और विनेगर। उसके अलावा हमें चाहिएगा राइस, ये लंबे वाले मैंने राइस लिए हैं, आप देख पाएंगे कितने लंबे लंबे हैं ये राइस। इस तरीके से मैंने लंबे वाले राइस को 1.5 कप राइस को अच्छे से बॉयल कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा इसको हल्का सा मैंने इस तरीके से खड़ा रखा है दानेदार। एकदम हमें इसे पूरा नहीं पकाना है, ज्यादा पकेगा तो राइस हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, तो इसलिए मैंने राइस को इस तरीके से थोड़ा कड़क ही रखा है हल्का सा। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ये बेबी कॉर्न, इसको हल्का सा फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। तेल मैंने पहले से ही गरम करके रखा था। तो फ्रेंड्स, ये जो बेबी कॉर्न है हल्के से रेडिश कलर में आने लग गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं 2 मिनट और इसे हल्का सा क्रिस्पी करूंगी मैं। तो फ्रेंड्स, इस बेबी कॉर्न को मैं दूसरे प्लेट में निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बेबी कॉर्न नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, आपके पास जो वेजिटेबल्स है उसी से आप इसे बना सकते हो, बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा प्याज, गैस की फ्लेम को मैंने फुल रखा है, ये चाइनीज डिश है, चाइनीज डिश में आप हमेशा गैस की फ्लेम को फुल रखें। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बीन्स, इसे भी हम 1 मिनट के लिए हल्का सा सौते करेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और ये गाजर, सिर्फ स्प्रिंग अनियन हमें नहीं डालना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन और अदरक, आप चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हो। इन सब सब्जी को पहले हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी स्टेज पे मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ, नमक से सब्जियां थोड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। 1/2 टीस्पून जितना मैंने इसमें नमक दिया है सफेद नमक, साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून। को पहले हम अच्छे से पकने देते हैं। इसी स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें रेड चिल्ली सॉस लगभग 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिल्ली सॉस 1 टेबलस्पून, नमक आप थोड़ा कम दीजिएगा क्योंकि हम इसमें सोया सॉस दे रहे हैं, 1 टेबलस्पून जितना ब्लैक सोया सॉस, 1 टीस्पून जितना टमेटो केचप, 1/4 टीस्पून काली मिर्च,
अब इन सबको हम अच्छे से पहले मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो राइस हमने बना के रखा था इसे। साथ ही में हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेबी कॉर्न्स। स्प्रिंग अनियन ऊपर से डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त लग रहा है राइस, और खाने में तो सही में वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। एक बार मेरे कहने पे आप इसे बना के जरूर देखिएगा। तो इसे हम अच्छे से पहले मिला लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं विनेगर। इसे विनेगर अगर ना हो आपके पास तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। विनेगर डाल के इसे अच्छे से मिला लें। अब ये जो हमारा पुलाव है बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए कितना मजेदार कलर आया है इसका, और खाने में तो बहुत ही ज्यादा यम्मी है ये राइस। एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है ये राइस। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो देखिए कितने लाजवाब पुलाव बनके रेडी हुए हैं हमारे। तो फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।